अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेस्ट वे बताऊंगी हेयर ब्रश करने का, जिसको आपने फॉलो करना है फॉर दी बेस्ट रिजल्ट्स, और उससे आपका हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगा। आपको करना यह है कि आपको अपने बालों को इस तरह बीच से मिड पॉइंट से के पहले एंड्स को ब्रश करना है। एंड्स को ब्रश करने से होता यह है कि आपके बाल स्मूथ हो जाते हैं और ईजिली ऊपर भी ब्रश हो जाता है। पहले आपने एंड्स पे फोकस करना है, एंड को अच्छे से ब्रश करना है। देखिए, एक भी बाल नहीं टूटा, ठीक हो गया। एंड पे ब्रश करने के बाद आपने करना ये है कि आपने फिर ऊपर ऊपर हेयर को ब्रश करना है। इस तरह ऊपर ऊपर ब्रश करना है, इससे ब्रेकेज बहुत कम हो जाएगी और बाल और स्ट्रांग हो जाएंगे। और बिल्कुल जेंटली करना होता है हेयर ब्रश, कभी भी बालों को खींचना नहीं होता, ठीक हो गया। ये वुडन कॉम्ब यूज़ कर रही हूँ मैं, आपने भी वुडन कॉम्ब यूज़ करनी है। कभी भी कोई और तरह का कॉम्ब यूज़ नहीं करना, वुडन यूज़ करनी है, जिसके इस तरह आगे ब्रसल्स भी वुडन हो। और सिल्क पोनी आपने यूज़ करनी है, सिल्क से आपके बाल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो सिल्क पोनी यूज़ करनी है, और कोई कॉटन या कुछ भी और मटेरियल नहीं यूज़ करना। देन हेयर ब्रश करके आपने नॉट बना लेनी होती है। अगर आप घर में तो इस तरह हेयर केयर फॉलो करेंगे ना, तो आपको बहुत बेहतरीन बाल हो जाएंगे। नॉट बना के और इसको टाई कर लेना, बट सिल्क की पोनी से। थैंक यू सो मच।